प्रो हीरो 11 बड़ा ही सही लग रहा है, बहुत सही बॉक्स बनाया है। मतलब बॉक्स तो बहुत ही सही है, प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली बहुत सही है। और ये है अपना इंस्टा 360 RS ट्विन एडिशन नहीं है, हम अभी ऑर्डर देगा, अमेरिका से आएगा क्या दादा? थोड़ा सा बता सकते हैं कि आदमी अभी भी डरता है आने को मेट्रो गली, क्या दिक्कत है दादा? अभी तो यहाँ पे जेन्यून मिलता है, जो पहले था। से 20 साल पहले सब कोई ग्रे बोलता है, ये बोलता है, खाली एक ढब चल गया है। एक और बहुत मस्त चीज आया है, बैटरी चार्जिंग बॉक्स, ये भी बहुत सही है। अलग लग रहा ना, कैसा रिएक्शन मिलता रहता है गाइस, देख लो भाई को। मैं बेल करो, शेयर करने लायक है, हम तो धीरे ही जा रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन, कैसे हैं आप सब? तो चलो देख लो, मैं आ गया हूँ चौरंगी होटल। ये चौरंगी होटल आपको आना है और जाना है सीधा मेट्रो गली की तरफ। तो आज का टाइटल तो कुछ ऐसा है, सीन ऐसा है बोलने से कि यार इधर जो है लाइन, इस लाइन से हमें इधर घुस जाना है। और मेट्रो गली में हमारा जो इंटरनेशनल फोटोग्राफिक्स एक शॉप है, तो उधर ही पे मैं जा रहा हूँ। अपना जो इंस्टा 360 आया है आपने पिछले वीडियो में तो देखा ही था, मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है, तो उसी के लिए कुछ मेमोरी कार्ड एंड बहुत सारा कुछ लेना है, एक्सेसरीज़। देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मेरे को मेरा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मेरे को सारा कुछ लेना है यहाँ पे। अब मेरे को बाइक का पार्किंग का जगह मिलेगा पता नहीं, लेट्स सी। तो बेला को मैंने यहाँ रख दिया है, देख लो बेला का बॉडीगार्ड लोग यहाँ खड़ा है। तो चलो चलते हैं शॉप की तरफ, क्योंकि यहाँ मैं पार्किंग करता था बेसिकली, यानी आज पार्किंग मिलेगा नहीं। चलो, तो ये है हमारा इंटरनेशनल फोटोग्राफिक्स, चलो अंदर चलते हैं और अंदर में आपको बातचीत करते हैं, थोड़ा मिलाते हैं, ठीक है? तो हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल फोटोग्राफिक्स, आपने देखा ही था। तो चलो, आज का व्लॉग बेसिकली इंस्टा 360 RS ट्विन एडिशन के बारे में होने वाला है एंड GoPro Hero 11, तो इसका दोनों का कंपैरिजन वीडियो होगा। तो मैंने तो इंस्टा 360 RS ट्विन एडिशन तो ले ही लिया है, आपने तो देख ही लिया है पिछला व्लॉग में। तो मैं आया हूँ मेमोरी कार्ड लेने एंड थोड़ा बहुत एक्सेसरीज जो भी अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसरी अवेलेबल होता नहीं है, तो जितना भी है मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देख लो अपना GoPro Hero 11 का बॉक्स, बड़ा ही सेक्सी बनाया है, पूरा ब्लैक में बनाया है। पहले तो वैसा ब्लॉक्स आता था, देख लो जो 10 रखा हुआ है, तो 10 का बॉक्स ऐसे आता था, और अभी इंस्टा 360 RS, तो इसमें कंपैरिजन तो क्या ही है। देखो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, तो देख लो ये है GoPro Hero 11, बड़ा ही सही लग रहा है, बहुत सही बॉक्स बनाया है। मतलब बॉक्स तो बहुत ही सही है, प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली बहुत सही है। और ये है अपना इंस्टा 360 RS ट्विन एडिशन, तो दो लेंस के साथ आता है, एक 4K बूस्ट लेंस एंड 360 लेंस। चलो थोड़ा बहुत इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि ये हम खरीद नहीं रहे एंड ये हमने खरीदा है, तो इसको अनबॉक्स करके थोड़ा दिखाएंगे आपको। तो देख लो बहुत ही सही है, ये अपना ऐसे स्टॉक ऐसे करके आता है, ये लेंस है एंड इसका ये डिस्प्ले मीटर है एंड ये इसका 360 लेंस है, ऐसे पैकेजिंग करके आता है। और ये इसका बैटरी है, इंस्टा 360 बैटरी, ये भी बहुत ड्यूरेबल है, 1445 एम्पियर का बैटरी आता है। तो चलो और अंदर में बॉक्स में थोड़ा बहुत दिखाते हैं एक्सेसरीज आपको। चलो ये बॉक्स खोलते हैं, बॉक्स में क्या क्या रहता है वो भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं। तो इसके साथ एक कपड़ा क्लॉथ आता है, इंस्टा 360 लिखा हुआ, तो ये थोड़ा क्लीनिंग के पर्पज़ के हिसाब से आता है। इसके साथ ये इसका GoPro का जो केसिंग आता है, जो हम लोग अपने हेलमेट या कहीं भी माउंट करके यूज़ करने के लिए, ये जो है लेंस प्रोटेक्टर, लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन इसका एक अलग से प्रोटेक्टर भी मिलता है, उसे भी हमें लेना होगा, ऐसे करके लेंस प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, देख लो। तो ठीक है, अभी के लिए हम यूज़ करेंगे जब तक हम नहीं ले पा रहे हैं। एंड ऐसा कुछ था नहीं, बुक्स एंड ये आता है और स्टिकर आता है, इंस्टा 360 का ब्रांडिंग स्टिकर। तो देखा जाए कहाँ पुराना माल दे रहा है,
चलो थोड़ा सा एक माउंट आता है जो इनविजिबल स्टिक में भी इजीली लग जाता है एंड ठीक है, ऐसे कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो हेलमेट में कहीं भी ये माउंट हो जाएगा इजीली, ये कभी कभार लग सकता है। ये का तरीका जो है देख रहे हो, एक हुक है इधर पे, ये हुक है, ये हुक एंड ये देख सकते हो ये वाला कनेक्टर है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ईजीली कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे इजीली कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे दो पावर बटन है, एक पावर बटन है, एक शटर है, डायरेक्टली ऑन करने से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, पावर बटन ऑन करने से दूसरा स्विच भी बेसिकली ऑन होगा, ऐसे ये ब्लिंक भी करता है, स्टार्ट हो जाता है। देख लो बहुत ही सही लुक आ रहा है मेरा, 5-3 lakh का टिकट देगा, मेमोरी कार्ड 128 GB का, तो इसका प्राइस पड़ेगा, तो आप आराम से कभी ले सकते हो, ऑनलाइन भी है, यहाँ भी अवेलेबल है, आराम से आके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलो और एक चीज़ दिखा दो, जो इंस्टा 360 RS का जो एक मेरे को थोड़ा सा डीमेरिट लगा, ये वाटर प्रूफिंग की वजह से, देखो ये जो हुक है ये देखो ऐसे रहता है, मतलब ये इसको फिट करना ये बड़ा बेकार है, ऐसे रहता है एंड इसको थोड़ा सा जिसके पास नेल्स होगा वही खोल पाएगा इसे, जैसे आप चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। चलो मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर, खोलने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने कैमरा लाइन में आने से आदमी को अपना नेल्स बढ़ाना हो, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये मेमोरी कार्ड है देख लो, बहुत ही सही छोटा सा मेमोरी कार्ड, थोड़ा सा देख के इंस्टॉल करना, जैसे कि देखो ये जो मेमोरी कार्ड है ऐसे करके इंस्टॉल होगा, थोड़ा देख लेना हल्का सा इंसर्ट करके कौन सा एक वे में ही घुस एंटर करेगा, तो वो थोड़ा देखना ज़रूरी है, ध्यान रखना इंस्टॉल करने के टाइम हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। एंड इसका टेम्पर्ड ग्लास के लिए भी पूछते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास है कि नहीं, देख लीजिए कुछ लाए नहीं है, हम अभी ऑर्डर देगा, अमेरिका से आएगा क्या दादा? हमारा प्रोडक्ट ट्रांजिट में है, हमारा ऑर्डर ट्रांजिट में, देख लीजिए चाचा को, चाचा बोल रहे हैं कि नहीं अभी माल है नहीं हमारे पास। आपको फीलिंग कैसा आ रहा है 360 के? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, हम बिहार शरीफ देख रहे हैं आज। देखिए ना इसका गोप्रो वाला शायद स्क्रीन गार्ड लग जाएगा, एक बार निकालिए ना, दो नुकसान कर रहा होगा, अरे तो ले लेंगे हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहे हैं क्या, तो हम लोग का स्क्रीन गार्ड सब वगैरह सब कुछ हो चुका है अल्टीमेटली, तो देख लो अब थोड़ा सा कैमरा फ्लिकर नहीं कर रहा है, तो हमने थोड़ा सेटिंग्स किया है, तो क्या दादा सेटिंग्स बताया गया? अच्छा सेटिंग किया गया है, जो एकदम कैमरा क्लियरिटी एकदम देखने में लगेगा। हाँ तो हम लोग का सारा परचेज हो चुका है, जैसे कि मेमोरी कार्ड लग गया है इंस्टा 360 में, अब 360 से वीडियो बनाया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा रील्स, एंड ये तो है ही, एंड GoPro Hero 11 तो ठीक है, जिसे हमें अभी दे देना पड़ रहा है, बाद में आगे चल के लिया जाएगा। एंड थोड़ा सा आपको शॉप का भी थोड़ा बहुत स्टॉक का सिनेमैटिक दिखा देते हैं, अगर आपको स्टॉक में कुछ अच्छा लगे तो आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ रहेगा क्या दादा? हाँ सारा कुछ है। और थोड़ा सा बता सकते हैं कि आदमी अभी भी डरता है आने को मेट्रो गली, क्या दिक्कत है दादा? अभी तो यहाँ पे जेन्यू मिलता है, जेन्यू पहले था, आज से 20 साल पहले, सब कोई ग्रे बोलता है, ये बोलता है, खाली एक ढब चल गया, मेन रोड रिटेलर वाला जो होता है उसका सेल नहीं होता है, कम प्राइस में मिलता है, इसलिए बोलता है वहाँ पर अच्छा माल नहीं देगा, ये देगा वो अपना बेचने के लिए, जो मेन रास्ता में हुआ, ईमेल हुआ, सिटी सेंटर हुआ, लोग अपना सेल करने के, जैसे कि हम तो नॉर्मली बता रहे हैं अभी यहाँ पे GoPro, अभी आपका नॉर्मल 10 कितना प्राइस है? नॉर्मल 10 प्राइस है, बिल के साथ है 42,000 रुपया, विदाउट बिल में आपको दाम है 34,000, 39,000 बिल में है, बिल में 46,000, RS ट्विन एडिशन का दाम आपको 40,000, बिल में आपको 48,000, और 9 GoPro 9 का है 27,500 है, दो दिन आपको 34,000, और अपना आर वर्जन रखे हैं इंस्टा का, आर कितना का? RS है आपको 20 है, X3 है आपको, 1-2X है, बहुत सारा ही कुछ है, देख लो यहाँ पे सारा कुछ पूरा सामने पे ही रखा हुआ है, एक्शन कैमरा का पूरा सारा सेटअप इधर पे है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6 की, अरे बड़ा सही डब्बा लग रहा है, मतलब नाम ही क्या मस्त दिया है, ब्लैक मैजिक, इसको भी ब्लैक मैजिक करने का मन है तो ये ले लो और ब्लैक मैजिक करो मजा से, कैमरा सही है, क्वालिटी सही है, तो और इंस्टा 60 GoTo भी बहुत है, ये मैंने सोचा था पहले लेने का लेकिन ठीक है आगे चल के देखा जाएगा, लेकिन X2 और X3 ये दो भी बेस्ट कैमरा है देखा जाए तो, अगर किसी को व्लॉगिंग करना है एंड 360 शॉट्स लेना है तो इंस्टा 360 RS बहुत बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर किसी को
सिर्फ 360 शॉट्स ही लेना है तो X2 या X3 कभी भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हैंड का भी है, मतलब जितना भी 70D बोलो, 80D बोलो, 90D, सारा कुछ सेकेंड हैंड का भी मिलता है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, ना लेंसेज ओरिजिनल सारा ही मिल रहा है। तो ठीक है, जैसा भी जब भी आपको इंटरेस्ट हो आओ, कांटेक्ट करो, लेके जाओ अगर मन है तो। ठीक है, बहुत लफड़ा बना दिया है, बहुत भांग भांग कर दिया है। मैंने पूरा दिन टुकड़ा में कैमरा आता है देखा जाए तो तीन टुकड़ा कर दिया कैमरा, लेके बॉल खेलो हो जाएगा, फिर कंपनी नया खरीदने बोलेगा कंपनी का पॉलिसी है तो इसी तरह हाथ में ले लिए ऑयल एग्जाम बनिए इंस्टा 360 का मिनिमम रेट है, मतलब अब स्क्रीन छोटा है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, नहीं तो ऐसे सब कुछ ठीक है, गोप्रो के हिसाब से ही है। इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ा है, 2GB का सॉफ्टवेयर है, बहुत कुछ उसमें एडिटिंग करने का भी ऑप्शन है, इसमें एडिटिंग करने का ऑप्शन है। प्लस क्या है ना, इसमें आपको एक इंस्टाग्राम जैसा बना दिया है कि आपको हाँ पोस्ट करिए, ये करिए, वो करिए, पूरा बना दिया है लोग, इंस्टा कम्युनिटी है, माइक्रो गाड़ी पूछने के लिए वैसे ही कपड़ा आता है, हाँ रखे हैं। और बहुत मस्त चीज़ आया है, बैटरी चार्जिंग बॉक्स, ये भी बहुत सही है, पूरा 3 सेट का चार्जर है, इधर नहीं इधर से खुलेगा, हाँ शाबाश। ये बैटरी लेकिन तो लोकल है ना, अच्छा बैटरी है ये, इसके साथ बैटरी भी मिलेगा, दो बैटरी मिलेगा, दो बैटरी भी है, 3 बैटरी दाम लगेगा। इसका कितना प्राइस है दो बैटरी का? 3000 रुपये दाम चार्जर के साथ, चार्जर के साथ 3000 रुपया दो बैटरी दे रहा है, तो बहुत काफ़ी है, क्योंकि एक ही बैटरी का GoPro का कितना दाम है, एक बैटरी का GoPro का अभी 2000 रुपये, अभी 2000 GoPro का बैटरी का दाम है। इसका इस हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, देखा जाए तो बहुत ही सही ऑप्शन है अपने पास, टेलीसिन कंपनी का, अच्छा 10 and 9 सपोर्टेड है तो सही है, इस पर भी आप लोग जा सकते हो अगर आपको मन है थोड़ा सा, नहीं रिव्यू अच्छा है, ऑब्वियसली रिव्यू अच्छा है तभी ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो अगर कुछ बजट कम है तो ये भी, इसको भी एनी डे कभी भी जाया जा सकता है। देख लो इंस्टा 360 का लुक, ये ऐसा फील आएगा 360 में, अगर दिख रहा है आपको ठीक से तो ऐसा फील आता है 360 का। तो हम लोग का सारा परचेज हो चुका है, अब हम लोग रेडी है अपना कैमरा यूज करने के लिए, तो ठीक है दादा, ओके मेरे को सारा प्रोडक्ट देने के लिए थैंक यू तो ठीक है सारा काम हम लोग का हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा मिलता हूँ मैं मोटो ब्लॉग सेटअप में, ठीक है गाइस, अलग लग रहा है ना तो ऐसा रिएक्शन मिलता रहता है गाइस, देख लो भाई को मेरा बेला बहुत पसंद आई, तो बेला बहुत सही लग रही है, भाई का क्या नाम है? उमर नाम है, वाह सही नाम है, तो ठीक है मेरा चैनल है देख सकते हो 90s Kid Aman, हाँ फॉलो करो, मज़ा कंटेंट देखने मिलेगा, सही है ना ठीक है चलो अब हम थोड़ा सा 360 को सेट करते हैं एंड फिर मिलते हैं गाइस, ठीक है मेरा काम हो चुका है गाइस, देखो मैं निकल रहा हूँ अब, बहुत लेट हो जाता है यहाँ जब भी आता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो ठीक है अब काम ऐसा रहता ही है अपने को, सब कुछ के बारे में थोड़ा जानकारी, कुछ नया इक्विपमेंट आया तो उसके बारे में नॉलेज लेना, आपके साथ भी नॉलेज शेयर करना, तो टाइम तो लग ही जाता है, तो ठीक है यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। तो अब आपको क्या करना है गाइस, मैं तो बोल के थक गया हूँ लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करो एंड शेयर करो, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है तो शेयर भी करो, शेयर करने लायक है, हम तो धीरे ही जा रहा है एक्सीडेंट हो गया, हम तो धीरे ही जा रहा है, हम कहाँ स्पीड जा रहा है, हम तो धीरे ही जा रहे, तो देख लिया आप लोग, थोड़ा सा ऐसा मिसअप होता रहता है कभी कभार, और मेरा बेला का ये देखो ये भी खुल गया, ढीला हो गया, कांड होता ही रहता है बाइक के साथ, हम धीरे ही जा रहा था, वो हो जाता है बैक से लग जाता है कभी कभी, तो मैं कहाँ था मैं भूल ही गया, तो ठीक है गाइज अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर से करो, शेयर भी कर दो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो
तो अगली बार आपको अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा। एंड ठीक है, तब तक के लिए राइड हार्ड लिव फ्री, बाय बाय गाइस।